नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। कमलनाथ के प्रतिद्वंदी बंटी साहू ने भरा पर्चा, कलेक्ट्रेट पहुंचकर माता पिता के साथ भरा पर्चा, 26 को कमलनाथ भरेंगे नामांकन। कांग्रेस में 47 सीटों पर विरोध बगावत, होशंगाबाद सुजालपुर के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का बंगला घेरा, विधायक मुरली मोरवाल पर FIR। भाजपा में 22 सीटों पर विरोध, 6 पर बगावत, रुस्तम सिंह ने छोड़ी पार्टी, BSP में गए सिंधिया की कार के सामने लेटे कार्यकर्ता। भोपाल की 4 सीटों पर बागियों ने बढ़ाई मुश्किलें, हुजूर में डागा लड़ेंगे निर्दलीय, बेरसिया और उत्तर में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी, दक्षिण पश्चिम में गुप्ता नाराज। ज्योतिरादित्य बोले, सिंधिया राजवंश ने ज्ञानवापी का संरक्षण किया, कहा जब विदेशी आक्रमणकारी हावी थे शिवलिंग का सौंदर्यीकरण कराया। ग्वालियर में एक युवक को अपनी पत्नी को उसके दोस्त से बात करने से रोकना जरा महंगा पड़ गया, पत्नी के दोस्त पिता 8 से 10 युवकों के साथ आए और पति 7 से बेरहमी से मारपीट की, इसके बाद युवक की पत्नी अलमारी से शादी के सारे गहने लेकर दोस्त के साथ चली गई, घटना ग्राम कोठी झांसी रोड में शनिवार रात की है। इंदौर 3 में चेहरा गोलू लेकिन मैदान में आकाश, कार्यकर्ताओं से बोले विकास और सनातन दो मुद्दों पर करो फोकस। आपने सिंगरौली से मेयर रानी अग्रवाल को उतारा, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह भाजपा छोड़ बसपा में आए। 1 करोड़ से अधिक की शराब, नकदी सोना जब्त, तो उज्जैन में पुलिस की सघन चेकिंग में मादक पदार्थ भी मिला। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के भस्म आरती के दौरान 3 बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडित पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध दही घी शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत पूजन किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद भगवान के मस्तक पर भांग चंदन अर्पित कर महाकाल का भगवान राम के स्वरूप श्रृंगार किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।